हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स रिवील। आज मैं आपको विटामिन ई ऑयल बनाने का एक बहुत ही आसान और बेनिफिशियल मेथड बताऊंगी, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। विटामिन ई हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा होगा मेरे पहले की भी हेयर ऑयल की या फिर हेयर रिलेटेड रेमेडीज़ में मैं विटामिन ई ऑयल या फिर कैप्सूल का यूज़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये हमारे बालों को लंबा घना बनाने के साथ साथ उसमें एक बहुत ही अमेजिंग शाइन भी ऐड करता है। तो आइए देखते हैं कि इस अमेजिंग विटामिन ई ऑयल को घर में कैसे बनाना है। लेकिन उसके पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे किसी भी हेल्पफुल वीडियो को आप मिस ना कर सकें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की आपको अपडेट मिल सके। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए विटामिन ई कैप्सूल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, कास्टर ऑयल और स्वीट आलमंड ऑयल। सबसे पहले एक बोल में ऐड करें 4 टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। अब इसमें ऐड करें 2 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। अब इसमें ऐड करें 2 टीस्पून ऑफ कास्टर ऑयल। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूं 1 टीस्पून ऑफ स्वीट आलमंड ऑयल। लास्ट में इसमें 4 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि सारे ऑयल्स और विटामिन ई कैप्सूल आपस में अच्छे से कंबाइंड हो जाएं। अब इस हेयर ऑयल को आप किसी भी इस तरह की एम्प्टी बॉटल में या किसी भी एम्प्टी बॉटल में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इस हेयर ऑयल को आपको वीक में 2 बार अपने पूरे स्कैल्प पे और पूरे बालों में अप्लाई करना है और अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने से हमारे बाल बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं, क्योंकि ऑयल जो है वो अंदर तक पहुँच जाता है और नए बाल अंदर से ग्रो करने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, ट्राई दिस और अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे किसी भी हेल्पफुल वीडियो को आप मिस ना कर सकें। फिर लौटूंगी एक अमेजिंग रेमेडी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।